रंगोली कलर बनाने के लिए आप राइस पेस्ट ले ले। मैंने थोड़ी देर चावल भिगो दिया था, उसके बाद ये पेस्ट बना लिया। तो ये आप पेस्ट ले लें, थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट लें क्योंकि बहुत सारे कलर बनाने हैं। तो जो भी कलर आपको इसमें ऐड करना है वो आप इसमें ऐड करके वो कलर का पेस्ट बना सकते हैं। और इसमें आप एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, बट फूड कलर काफ़ी मतलब सारे कलर्स में नहीं आता, तो इसलिए मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। और चावल का पेस्ट इसलिए मैंने लिया है कि उसको हम नीचे लगा कि ये जल्दी से मिट जाए, जल्दी से मिट जाए। इट मीन्स कि जब हम इसे मिटाना चाहें तब मिट जाए, क्योंकि एक्रिलिक पेंट अगर आप दो तीन दिन तक नीचे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वैसे ही रह जाता है, फिर निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने इसमें राइस पेस्ट मिलाया है, और राइस पेस्ट से एक जगह स्टिक भी रहेगा बहुत दिन तक, हम उसमें कितना भी चलें कितना भी दौड़ें बिल्कुल भी नहीं मिटेगा। तो ये रंगोली भी मैंने इसलिए बनाई है कि कोई बच्चा इसको बिगाड़ ना पाए, कोई बच्चा मतलब मेरा बच्चा इसको बिगाड़ ना पाए।